दोस्तों बिग बॉस 13 शुरू हो चुका है और इस सीजन की खास बात ये है कि इस सीजन में सभी सेलिब्रिटी हैं और ये सभी सेलिब्रिटी आपस में एक दूसरे को विजेता साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बिग बॉस 13 के बारे में नहीं बल्कि अब तक के सीजन के सबसे विवादित लोगों के बारे में बताने वाले हैं और साथ ही अब तक के सीजन में जो सबसे शर्मनाक घटनाएं हुई हैं उनसे आपको रूबरू कराने वाले हैं। नंबर 5, प्रियांक शर्मा और बेनाप्सा। बिग बॉस सीजन 11 में बेनाप्सा पूरी रात प्रियांक शर्मा के साथ उन्हीं के बिस्तर में सोई थी। हालांकि बेनाप्सा ने अलग से कंबल लिया था लेकिन बंदगी वे पुनिश को मौका मिल गया था हितेन तेजवानी को दिखाने का कि वो दोनों एक साथ सो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पुनिश व बंदगी की नज़दीकों को लेकर भी हंगामा किया था। इसके बाद जब विकास गुप्ता को ये बात पता चली तो वे भड़क गए थे। नंबर 4, किश्वर मर्चेंट। बिग बॉस सीजन 9 में किश्वर मर्चेंट ने ऋषभ को पानी देने से पहले उनके गिलास में थूक दिया था। किश्वर मर्चेंट के इस हरकत से बेखबर ऋषभ ने वो पानी पी लिया था। इस कारण किश्वर मर्चेंट को काफी शर्मिंदा होना पड़ा था। हालांकि इसके बाद किश्वर ने सब लोगों के सामने माफी भी मांगी थी। नंबर 3, अली कुली मिर्जा। दोस्तों अली कुली मिर्जा ने बिग बॉस सीजन के 8 में सोनाली राउत के साथ एक बहुत गंदी हरकत की थी। अली कुली मिर्जा ने कंबल के अंदर सोनाली को गलत तरीके से छूने की कोशिश की थी, जिसका खुलासा खुद सोनाली राउत ने किया था। बाद में नेशनल टेलीविजन पर भी सभी के सामने एक शो के दौरान सोनाली ने अली कुली मिर्जा को थप्पड़ जड़ दिया था। नंबर 2, स्वामी ओम। स्वामी ओम को बिग बॉस सीजन 10 में अपने कंटेस्टेंट साथी बानी जे और रोहन मेहरा पर पेशाब फेंकने की वजह से घर से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद स्वामी ओम ने अभिनेता सलमान खान को धमकी दी थी कि वो अपने समर्थकों के साथ बिग बॉस के फिनाले में पहुंचकर सेट पर आग लगा देंगे और सलमान खान की हड्डियां तोड़ देंगे। बिग बॉस के घर में स्वामी ओम के सेट के पास पहुंचने से पहले ही लोनावना पुलिस ने स्वामी ओम को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया था। नंबर 1, गौतम गुलाटी और डियांड्रा। दोस्तों बिग बॉस के 8वें सीजन में ये दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे थे। ये दोनों एक दूसरे के करीब इतने आ गए थे कि ये काफी घंटे तक बाथरूम में बंद रहा करते थे, जिसे देखकर दर्शक भड़क उठे थे। इसलिए डियांड्रा को अगले हफ्ते ही बिग बॉस के घर से निकाल दिया गया था। इस घटना को लेकर काफी खबरें फैली थी। लोगों का कहना था कि डियांड्रा इस घटना के बाद प्रेग्नेंट भी हो गई थी। हालांकि इस खबर के बारे में आज तक कोई भी पुष्टि नहीं हुई है और साथ ही आज डियांड्रा कहाँ है इस बारे में किसी को कोई खबर नहीं है। तो दोस्तों ये थे बिग बॉस के अब तक के सबसे बेकार कंटेस्टेंट, जिन्होंने बिग बॉस का माहौल पूरी तरह से खराब कर दिया था। दोस्तों आपको कौन सा सीजन सबसे बेहतर लगा था हमें उस सीजन का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बिग बॉस से जुड़ी सभी खबरों को सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।